विदुपुर पुलिस आधी रात में लुंगी पहनकर एक महिला को गिरफ्तार करने जाती है। विदुपुर बेकसूर आरोपित परिजनों का आरोप है कि विदुपुर थाने की पुलिस आधी रात में लुंगी पहनकर घर में घुसकर एक महिला को गिरफ्तार कर ले गई, वो भी बिना महिला पुलिस के। परिजनों ने कहा कि इस अपहरण केस में गायब रंजू देवी, जो कि 3 बच्चों की माँ है, के बारे में इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। सुधीर सिंह और उनके सास सुषमा देवी ने साजिश के तहत एक ही परिवार के 4 लोगों को फंसाया है। केस करने वाला अपना सगा मौसेरा भाई और उसकी सास है। विदुपुर थाना क्षेत्र के मधुरापुर गांव से बिहार ब्यूरो चीफ वीरेन सिंह की खास रिपोर्ट। वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। अभी मैं यह वैशाली जिला का विदुपुर थाना क्षेत्र है और उस विदुपुर थाना क्षेत्र में मधुरापुर गांव है, यहां पर हूं। और यह जो घर है एक ऐसी पीड़िता का, जिसके पति को, जिसके सास को, जिसके देवर को, यह जो मधुरापुर पोखर का जो रहने वाले हैं, इन सभी को यह सुधीर कुमार और उनकी माँ शायद सुषमा देवी, उनकी सास सुषमा देवी ने एक अपहरण का झूठा मुकदमा, यह जो झूठा मुकदमा है कि सुधीर सिंह की पत्नी, जो कि 3 बच्चों की माँ है, यह बच्चा बड़ा बड़ा है, कोई 12 साल का है, कोई 13 साल का है, इस तरह से बड़े बड़े बच्चों की माँ है, वो किसी के साथ भाग गई हैं। और यह सुधीर सिंह अपने ही मौसी और अपने ही मौसेरा भाई पर यह अपहरण का केस कर दिए हैं, इसलिए कर दिए हैं कि ये लोग उनकी पत्नी से बात करते थे। बताइए, यह रिश्ते को तार तार करने वाली बात, ये भाभी लगेंगे। भाभी से अगर कोई बात करता था तो क्या गुनाह है क्या? भाभी से कौन नहीं बात करता है, लेकिन केवल बात करने के कारण ही इन्होंने इन सभी का नाम अपहरण में दे दिया है कि इन्होंने रंजू देवी का अपहरण किया है। तो आइए देखिए, यह जो कहानी है एक ऐसे पीड़िता की है जिनका अब घर में कोई नहीं बचा है, बस ये अकेले है और इनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे कहाँ हैं, दो छोटे छोटे बच्चे कहाँ हैं, देखिए वो आते हैं। तो यह जो दो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए यह जो महिला जो है कैसे अपने जीवन यापन को कर पाएगी, क्योंकि इनके जो पति हैं उनके पति को जेल में डाल दिया गया, इनकी जो सास है उनको जेल में डाल दिया गया, इनके जो देवर हैं उनको जेल में डाल दिया गया। अब इस घर में कोई नहीं है। एक नौजवान महिला के कंधे पर इतना सारा बोझ, दो छोटी बच्ची का बोझ, और देखिए एक बूढ़ी, कैमरा दिखाइएगा, कैमरा यहाँ नज़दीक कीजिएगा, बिल्कुल नज़दीक कीजिएगा, देखिए एक जो बूढ़ी माँ है, इनका बोझ एक महिला पर पड़ गया है। किस तरह से यह जो है अपने घर का पालन पोषण करेंगी, शायद यह विदुपुर थाना को कभी आभास नहीं होगा। उनको तो बस अपनी ड्यूटी पूरा करनी होती है कि हम किसी तरह से ड्यूटी पूरा कर दे, हम दिखा दे कि हमने तो गुनहगार को अरेस्ट कर लिया, लेकिन विदुपुर थाना को ये नहीं पता है उन्हें गुनहगार को अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन वैसे को अरेस्ट किया जिनको साजिश के तहत फंसाया गया है। देखिए यह छोटे से बच्चे, कैमरा नज़दीक कीजिएगा, पूरा नज़दीक कीजिएगा, देखिए ये एक और बच्चा, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे का क्या कसूर है छोटे छोटे बच्चों का, जिनके बाप को झूठे केस में जेल में डाल दिया गया है। देखिए इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी, देखिए आँख से आंसू आ रहे हैं, ये कैसे खाना खाएगी जी? बिहार सरकार, नीतीश बाबू, जरा आप विदुपुर थाना में एक बार फोन लगा के तो पूछ लीजिए ना कि यह महिला जो है कैसे अपने जीवन यापन करेगी, कैसे ये छोटे छोटे दो बच्चे का भरण पोषण करेगी, एक बूढ़ी जो है इसके कैसे भरण पोषण करेगी। इनसे मैं बात किया था, इन्होंने कहा कि पहले से मैं कर्ज में डूबी हुई और हमारे पति ही एकमात्र ऐसे थे जो कि कमाते थे, लेकिन उसको भी जेल में डाल दिया गया है। उनको जेल में डाले हुए 6 महीना हो गया, उसके बाद भी पुलिस को मन नहीं भरा, तो इनके सास और इनको देवर को भी जेल में बंद कर दिया गया। तो आइए मैं ऐसे पीड़िता की कहानी सुनाता हूँ जिनके पति, जिनकी सास, जिनके देवर को एक झूठा अपहरण केस में फंसा करके जेल में डाल दिया गया है। तो आइए, आपका नाम क्या है, कैमरा नज़दीक कीजिएगा,
उर्मिला देवी है। अच्छा, आपके पति को जेल में डाल दिया गया है। हाँ। अच्छा, कब से वो जेल में है जी? 26 अक्टूबर से है। 26 अक्टूबर 2022 से है जेल में जी। हाँ। अच्छा, और अब जो आपके सास को जेल में डाला गया है या आपके देवर को जेल में डाला गया है, कब डाला गया है? रात में, कल रात में 12:40 हो रहा था। रात में आकर के वो जेल में डाल दिए गए हैं। रात में आए बिहार, ये बिद्दुपुर थाना के पुलिस रात में आए ना जी? हाँ। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ कौन कौन था जी? जेंट्स पुलिस था, ऐसे सुनने में आ रहा कि पुलिस वाले लुंगी ड्रेस में भी आए थे। हाँ। लुंगी पहने हुए थे। हाँ, टी शर्ट में। अच्छा, लुंगी टी शर्ट पहने हुए थे। हाँ। अच्छा, आप फोटो तो खींचे थे क्या उसका? नहीं, रात था। रात था, नहीं। अच्छा, नहीं खींच पाए, लेकिन आप कंफर्म है? कितने लोग थे लगभग? दो सिविल ड्रेस में था और तीन ड्रेस में था। था। अच्छा, एक ब्लू टी शर्ट पहन लेता। अच्छा अच्छा, और सब पुलिस वाला ड्रेस में था। हाँ। अच्छा, देखिए कि यह जो बिद्दुपुर थाना, शायद ऐसा लग रोने लगे तो बोला कि रोने से क्या फायदा। अच्छा, बोला कि रोने से क्या फायदा? और क्या बोला? और बोला जो होना था सो हो गया, रोने से क्या फायदा। अच्छा अच्छा, देखिए यह जो बिद्दुपुर पुलिस है, इनका कहना है कि दो तीन जो थे वह पुलिस ड्रेस में थे, बाद बाकी जो थे लुंगी गंजी या टी शर्ट में थे। इसका मतलब यह बिद्दुपुर थाना जो है वह भारे के टट्टू को भी लेकर के यहाँ पर आया था, या ये भी हो सकता है कि खुद पुलिस वाले ही स्लीपिंग ड्रेस में सो करके उठे होंगे और चल दिए होंगे कि चलो भाई पकड़ना है। उनको तो बस पकड़ना था। सच्चाई क्या है, वास्तव में दोषी क्या है, उनसे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह पुलिस जो है वह लुंगी में पहन करके आते हैं पकड़ने के लिए जी, वह टी शर्ट पहन करके आते हैं पकड़ने के लिए। यह है बिद्दुपुर थाने की सच्चाई। तो आइए, मैं कुछ गांव के लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि वास्तव में सच्चाई क्या था। आप कुछ बताएंगे सच्चाई क्या था? आप नहीं जानते हैं? अच्छा, कौन जानते हैं इसमें से? कोई जानते हैं? हाँ, आप जानते हैं? अच्छा, आप नहीं थे। अच्छा, कोई था यहाँ पर? रात में कोई नहीं था। नहीं। अच्छा, आप लोग सोए हुए थे। अच्छा, देखिए ये लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग तो सोए हुए थे, रात में हमको पता नहीं चला, लेकिन ये लोग पुलिस वाले जो आए और यह उनको उठा के लाए। यह जो पीड़िता की बयान है, देखिए यहाँ पर देखिए, अच्छा यानी बच्चा को ली तो बच्चा को भी दूसरे को देने के लिए बोल दिया। हाँ। यानी बच्चे पर भी उनको माया नहीं आया। हाँ, बच्चा रो रहा था मेरी। कौन सा? ये छोटा बच्चा? बेटी रो रही थी। अच्छा अच्छा, बेटी रो रही थी। अच्छा अच्छा, जबरदस्ती लेके चला गया। अच्छा, देखिए यह जो बिद्दुपुर थाना एक मासूम बच्चे का भी परवाह नहीं करता, यह थाना इतना निर्जयी हो गया है, इतना निर्लयी हो गया है, इतना बदतमीज हो गया है कि उनको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। वे एक छोटे बच्चा पर भी रहम नहीं खाते हैं, बच्चे का भी छीना झपटी करने लगते हैं। वाह रे बिद्दुपुर थाना, आप पर सभी को गर्व होना चाहिए ऐसे थाने पर, जो एक मेरी महिला को आकर के आधी रात में आकर के, वो भी बिना पुलिस, बिना महिला पुलिस के साथ, वे आकर के केवल पुरुष अरेस्ट करके ले जाते हैं और कहते हैं कि हम तो यहाँ से ले जा रहे हैं पूछताछ के लिए, मैं पूछताछ करूँगा और छोड़ दूँगा, और थाना जाकर के उनको अरेस्ट, उनको गिरफ्तारी वारंट जारी करके और सीधे जेल में भेज देते हैं। यह है हमारे बिद्दुपुर थाने की सच्चाई। तो मैं यहाँ के जो सारण वैशाली जिला के जो एसपी महोदय हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने वैसे पुलिसकर्मी पर संज्ञान ले, वैसे थानाध्यक्ष पर संज्ञान ले, जो आधी रात में बिना महिला पुलिस के किसी के घर में घुस करके वह एक महिला का गिरफ्तार करके ले जाता है। माननीय नीतीश जी,
आपका यह जो सुशासन का जो सरकार है, इस सुशासन का सरकार का यह पोल खुल चुका है, आपके पुलिस का पोल खुल चुका है। आप कहते हैं कि आप महिलाओं की हिमायती है, महिलाओं के मान सम्मान के लिए कुछ करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन नीतीश जी क्या आप महिलाओं की मान सम्मान के लिए यही कर रहे हैं कि आपकी पुलिस, आपका जो जेंट्स पुलिस है, किसी महिला को आधी रात में उसके घर से उठा के चला जाता है? क्या आप यही महिलाओं के कल्याण की बात कर रहे हैं? क्या आप महिलाओं का मान सम्मान की बात कर रहे हैं? नीतीश जी अब तो जग जाइए, आपका यह जो सुशासन की सरकार है, इस सुशासन की सरकार में सबको न्याय मिलने चाहिए। और मैं आरएस भट्टी साहब जो डीजीपी महोदय हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अपने पुलिस पर लगाम रखनी चाहिए, आपके अपने पुलिस को डिसिप्लिन सिखानी चाहिए, आपके अपने पुलिस को नियम कायदे सिखाने चाहिए कि कम से कम एक महिला को अरेस्ट करना है तो वहाँ पर जाओ, उनके साथ महिला पुलिस को भी लेकर के जाओ, तब उनको अरेस्ट करो। और मैं भट्टी साहब से या जो सारण के वैशाली के जो एसपी साहब है, डीएम साहब है, माननीय मुख्यमंत्री जी है, मैं सभी से कहूँगा कि आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि जो महिला छठ का नहाय खा की हुई है, छठ का मौसम है या चैती जो पर्व कि जो महिला छठ का नहाय खा की हुई है, छठ का मौसम है या चैती जो पर्व है, छठ पर्व है, वैसे मौके पर आप किसी महिला को अरेस्ट करके लेके चले जाते हैं और उसको यह जो आस्था का पर्व जो छठ है वह छठ करने का भी आप मौका नहीं देते हैं। तो माननीय नीतीश बाबू, भट्टी साहब, वैशाली जिला के एसपी और डीएम साहब, आपसे आग्रह है, हमारे चैनल की तरफ से आग्रह है कि आप कड़ा संज्ञान ले और कड़ा संज्ञान लेकर के यह जो पीड़िता परिवार है, जिनके परिवार वाले को, एक ही परिवार के चार लोगों को जी, एक ही परिवार को जरा गौर कीजिएगा, एक ही परिवार के चार लोगों को इनके तीन देवर, इनके देखिए दो देवर पति और सास, देखिए एक ही परिवार के चार लोगों को एक अपहरण का मुकदमा में फंसाया गया है। और ये मुकदमा इन्हीं के संबंधी, जो ये मुकदमा कौन, सुधीर सिंह आपके कौन लगते हैं, भैसूर, देखिए इन्हीं के भैसूर ने अपने पत्नी का अपहरण का मुकदमा एक ही परिवार पर चार लोगों को कर सकते हैं। यह महिला जो थी वह तीन बच्चों की माँ, भला तीन बच्चों की माँ को एक ही परिवार के चार लोग कैसे अपहरण कर सकते हैं जी? किसी अगर उसका प्रेम प्रसंग भी होगा तो किसी एक से प्रेम प्रसंग होगा, किसी एक के साथ उनकी मिलीभगत होगी कि चारों के साथ मिलीभगत होगी? तो निश्चित रूप से इस केस में कहीं ना कहीं नया मोड़ है। यह जो है, जो केस करने वाले हैं, कुछ ऐसे मुद्दे को छुपा रहे हैं, कुछ ऐसे तथ्य को छुपा रहे हैं और